हेलो दोस्तों, वेलकम टू द अनदर वीडियो। तो दोस्तों, पिछले कुछ सालों में OTT प्लेटफॉर्म ने एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में तेजी से पैर पसारे हैं। COVID-19 महामारी के दौरान दुनिया भर को OTT ने एंटरटेन किया, यहाँ तक कि अभी भी थिएटर से ज्यादा OTT का बोलबाला है। कंटेंट के मामले में OTT स्पेस में कोई भी कमी नहीं है। कई बार तो ऐसा होता है कि फ्लॉप फिल्मों को OTT पर भी सराहना मिलती है। OTT स्पेस ने कंटेंट की दुनिया में क्रांति ला दी है। अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म पर फिल्मों और वेब सीरीज के एक वाइड रेंज देखने को मिलती है। थिएटर्स में रिलीज हुई फिल्मों को भी OTT पर एक बार अपनी काबिलियत दिखाने का मौका देती है। पिछले कुछ सालों में कई ऐसी फिल्में रही हैं थिएटर्स में जिनका बंटाधार हो गया, लेकिन जब OTT पर इन्हें लॉन्च किया तो इन्हें खूब पसंद किया गया। COVID-19 महामारी और बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड ने कई फिल्मों को नुकसान पहुंचा। करोड़ों के बजट में बनी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर पड़ी, लेकिन जब OTT पर स्ट्रीम हुई तो अच्छे व्यूअरशिप के साथ इसको पॉजिटिव रिव्यू मिले। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, नंबर फर्स्ट पर है लापता लेडीज। आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस में बनी लापता लेडीज कुछ हफ्ते पहले थिएटर्स में रिलीज हुई थी। हालांकि बिजनेस के मामले में फिल्म बॉक्स ऑफिस से लापता रही। किरण राव के डायरेक्शन वाली लापता लेडीज को हाल ही में OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया। इसके साथ ही फिल्म दुनिया भर में ट्रेंड करने लगी। आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस ने एक पोस्ट शेयर करते हुए जानकारी दी थी कि लापता लेडीज को स्ट्रीम करने के पहले वीकेंड में 20 लाख यानी कि 2.2 मिलियन से ज्यादा व्यूअरशिप मिले। नंबर टू पर है डंकी। शाहरुख खान ने 2023 में बैक टू बैक 3 फिल्में दी, जिसमें पठान और जवान तो ब्लॉकबस्टर साबित हुई, लेकिन डंकी ये मुकाम हासिल नहीं कर पाई। बिजनेस के मामले में डंकी पठान और जवान से पीछे ही रही, लेकिन जब OTT पर आई तो इसे खूब सराहना मिली। डंकी को नेटफ्लिक्स पर 11 मिलियन व्यूअरशिप मिली थी, यानी फिल्म 100 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक OTT पर देखी गई। यहाँ तक कि इस मामले में डंकी ने जवान को भी पीछे छोड़ दिया था, जिसकी व्यूअरशिप 8.9 मिलियन थी। नंबर थ्री पर है लाल सिंह चड्ढा। आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा हॉलीवुड फिल्म फॉरेस्ट गंप का रीमेक है। इस फिल्म से एक्टर को काफी उम्मीदें थी, लेकिन लाल सिंह चड्ढा बायकॉट बॉलीवुड की भेंट चढ़ गई। फिल्म थिएटर से ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई। हालांकि OTT पर लाल सिंह चड्ढा ने खूब शोर मचाया। स्ट्रीमिंग के पहले हफ्ते में इस फिल्म को 60 लाख यानी कि 6.6 मिलियन घंटे से ज्यादा व्यूअरशिप मिले। नेटफ्लिक्स पर आने के बाद लाल सिंह चड्ढा मॉरिशस, बांग्लादेश, सिंगापुर, ओमान, श्रीलंका, बहरीन, मलेशिया और UAE सहित दुनिया भर के 13 देशों में टॉप 10 पोजीशन पर रही थी। नंबर फोर पर है जर्सी। शाहिद कपूर की जर्सी तेलुगु स्टार नानी की इसी नाम के फिल्म का हिंदी रीमेक है। रिलीज डेट को लेकर फिल्म को काफी मशक्कत करनी पड़ी। कई बार जर्सी की रिलीज डेट बदली गई, लेकिन जब थिएटर्स में आई तो पूरी तरह पिट गई। हालांकि OTT पर जर्सी को काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था।